आई वन की वैल्यू 6 माइनस वी अपॉन 1 है, आई टू की वैल्यू यानी इस ब्रांच में आई टू की वैल्यू ये टर्मिनल 0 वोल्ट पे, ये टर्मिनल वी वोल्ट पे 0 माइनस वी अपॉन 1 है और 6 माइनस वी अपॉन 1 ये है। सॉल्व करने से वी की वैल्यू 4 आई, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे क्योंकि आई टू की वैल्यू निकालना है, तो माइनस 4 आया, माइनस 4 आया, हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया क्योंकि यही पहले शुरू में दिया था, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 4/4 1 आ गया, ये आंसर है। मेथड इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बच्चों वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सर्किट इस तरह से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में सर्किट जो बनाई गई इसको सॉल्व करके बताइए। यहां पे एक एमीटर लगा है, रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां एमीटर लगा है, ठीक है, और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहां पे भी एक एमीटर लगा हुआ है। सर्किट इस तरह से क्लोज है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अच्छा, अब आप देख लो बेटा रेजिस्टेंसेस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 20 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है और एमीटर्स जो है ये A1 है, ये वाला A2 है और ये वाला A3 है। ये सर्किट ड्रॉ करिए, एक लाइन लिखिए क्वेश्चन। ड्रॉ दिस सर्किट और एक लाइन क्वेश्चन लिखो बेटा। बना लिया, क्वेश्चन लिखिए। इफ करेंट इन अमीटर A1 इज, इफ करेंट इन अमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर, करेंट इन एमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर, फाइंड द रीडिंग ऑफ A2 एंड A3, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर्स A2 एंड A3 निकालो, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर्स A2 एंड A3 निकालिए, सोच के करिए फटाफट। क्या आंसर है, क्या आंसर है बेटा? कह रहा है कि अगर A1 में इस ब्रांच में करंट 2.4 एम्पियर की है तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कितनी करंट है? एमीटर A2 और ये वाले जो एमीटर A3 है, एमीटर A2 और A3 की रीडिंग कितनी है ये आपको बताना है। A1 की रीडिंग दे रखा है, A2 की 1.6 और A3 की, यस करेक्ट। देखो बेटा इधर करंट अगर I ले लें और इसमें करंट मैं I1 मान लेता हूं और नीचे वाले में करंट I2 मान लेता हूं, तो A2 की वैल्यू 1.6 एम्पियर आएगी और I की वैल्यू 4 एम्पियर आएगी, ये आंसर है। कैसे आएगी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में, ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इनके इन दोनों ब्रांच के क्रॉस पीडी क्या होगा, सेम होगा। इस ब्रांच में कितना पीडी है, करंट इनटू रेजिस्टेंस 2.4 × 10 = 20। इसमें कितना पीडी है, इसमें है I2 मल्टीप्लाइड बाई 30,
इससे I2 की वैल्यू निकाल लीजिए 1.6 एम्पियर आ जाएगी। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके देखो बेटा 1.6 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में, तो इनके क्रॉस पीडी सेम होगा। इसका पीडी है दिस इनटू दिस, करेंट इनटू रेजिस्टेंस आई टू आ गया 1.6। देखो बेटा इसमें 1.6 एम्पियर है, इसमें 2.4 है, तो इसमें कितनी है आई, कितना है आई, है आई वन प्लस आई टू, 2.4 1.6 ऐड कर दो 4 एम्पियर। ठीक है ना, क्लियर? इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको लेते हैं, लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24। रेजिस्टेंस ऑफ रिहोस्टेट, क्वेश्चन नंबर 24 है, रेजिस्टेंस ऑफ रिहोस्टेट। रिहोस्टेट जानते हैं ना, ओम्स लॉ प्रैक्टिकल में यूज किया होगा, वो जो वेरी कराते हैं रेजिस्टेंस, जिससे रेजिस्टेंस ऑफ रिहोस्टेट इज 30 ओम इन द गिवन सर्किट। सर्किट बना देता हूं मैं, एक सेल लगा है यहां पे और यहां पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, और यहां पे जो है एक रिहोस्टेट लगा है, और यहां से एक एमीटर लगा है, और ये की है जो इस जॉकी है, इस तरह से ये रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस का, ये रिहोस्टेट है, और रिहोस्टेट का आरएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 ओम। रिहोस्टेट रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, और जो बैटरी यूज की गई है बेटा वो 5.5 वोल्ट की है। ये सर्किट बना करके एक क्वेश्चन लिखिए, आप कंप्लीट करिए। लिखो बेटा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम करेंट, या फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर यहां लगा हुआ है, ये एमीटर है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग ऑफ एमीटर। इस सर्किट में एमीटर की मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग बतानी है, यानी मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट बताना है, क्या होगा? क्या आंसर है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए? बोलो बेटा, देखो एक चीज क्लियरली समझ लो, अगर हम मैक्सिमम करंट थ्रू एमिटर अगर निकालना चाहते हैं, तो करंट का फार्मूला होता है वी बाई आर। करंट मैक्सिमम अगर होगी तो सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। मैक्सिमम करंट के लिए सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम कब होगा? जब रिहोस्टेट का ये जो पॉइंटर है वो इस एंड पे लाके लगा दे। भाई जो रिहोस्टेट होता है आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, इस पे क्वाइल्स लगी होती है। अगर पॉइंटर को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले जाए
तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे धीरे धीरे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो हम अगर आर की वैल्यू मिनिमम ले लें तो मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि रिहोस्टेट को अगर यहां लगा, अगर इसकी इस पॉइंटर को मैं यहां लगा दूं तो ये सर्किट बनेगी, यहां मीटर लगा हुआ है और इसकी करंट मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि रिहोस्टेट को अगर मैं सर्किट से बाहर कर दूं, रिहोस्टेट को अगर मैं सर्किट से बाहर कर दूं तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। क्लियर? ये दोनों पैरेलल में, अगर आई मैक्स ले तो आर मिनिमम लिखना पड़ेगा। आर मिनिमम का मतलब इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब रिहोस्टेट को हम सर्किट से बाहर कर देंगे। वो तभी संभव है जब पॉइंटर को हम लेफ्ट एंड पे ला करके लगा दें। अब आप मुझे बताओ आर मिनिमम सर्किट में कितना है इस समय, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? 10 × 20 / 10 + 20। ये दोनों पैरेलल में 10 × 20 / 10 + 20 कितना लिखेंगे? 20/3 ओम। ये दोनों पैरेलल में हैं तो 10 × 20 = 200 / 20 + 10 = 30। तो 20/3 तो आप लिखोगे बेटा वोल्टेज कितना है 5.5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना बताया आपने 20/3। सॉल्व करिए कितना आ रहा है? 0.825 यानी 0.83। आंसर दिया है 0.83, लगभग यही है। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? अच्छा, मिनिमम क्या होगा बच्चों? अगर हम मिनिमम करंट की बात करें तो V अपॉन R मैक्सिमम। R मैक्सिमम तब होगा जब इस रिहोस्टेट के पूरे रेजिस्टेंस को हम सर्किट के अंदर ले लें। सर्किट के अंदर लेने के लिए क्या करेंगे? पॉइंटर को हमें यहां पे लगाना पड़ जाएगा, यहां मीटर लगा हुआ है, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आप बताओ I मिनिमम कितना है? सर्किट का रेजिस्टेंस रिहोस्टेट सर्किट के अंदर आ गया तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? कितना? 0.15। हाँ ठीक है, करेक्ट, 0.15। अब आप इसको लिखोगे 5.5 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है? ये दोनों पैरेलल, इसके सीरीज कितना आएगा भाई? ये तो 20/3 है, ये 20/3 है प्लस 30 कर देंगे तो कितना होगा? 110/3। ये 20/3 है प्लस 30 तो 110/3। सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा बेटा 0.15 एम्पियर। कितना आएगा? 0.15 एम्पियर। तो इस सर्किट में मैक्सिमम और मिनिमम करंट इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है ना? तो 24 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। जो छोड़ रहे हैं आप ट्राई करिएगा, इजी है वो सब क्वेश्चन। 28 क्या कह रहा है ध्यान से देखो, पहले सर्किट बनाइए उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये है सेकंड, यहां पे लगा है, थर्ड यहां पे लगा है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है और जो वैल्यूज है रेजिस्टेंस की वो है यहां पे दिया है 5 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, ये वाला है 10 किलो ओम और ये वाला है 100 किलो ओम। पहले आप ये सर्किट बना के एक लाइन क्वेश्चन लिखिए।
लिखो बेटा, इफ करेंट ड्रॉन द सर्किट, क्वेश्चन लिखो, इफ करेंट इन 5 किलो ओम इज, इफ करेंट इन 5 किलो ओम इज 12 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, फाइंड करेंट्स इन अदर रेजिस्टेंसेस, फाइंड करेंट इन अदर रेजिस्टेंसेस एंड वी ए बी भी पूछा है, फाइंड करेंट इन अदर रेजिस्टेंसेस एंड वी ए बी निकालो, सॉल्व करो। फाइव के किलो ओम, किलो ओम का मतलब कितना ओम, 10 to the power 3 ओम, करंट है 12 मिली एम्पियर, यही है ना, यही है। सपोज कर लो ये करंट आई है, आई जो है 12 मिली एम्पियर है, ठीक, इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है, इनकमिंग करंट आई है, ठीक है बच्चों। अगर हम इस टर्मिनल को सी माने और इस टर्मिनल को डी माने तो आर सी डी बताओ कितना है, सी और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 20 और 10 पैरेलल में, आर सी डी कितना है, 20 और 10 पैरेलल में, 20 × 10/20+10 कितना आएगा बच्चों, 20/3 किलो ओम, कोई दिक्कत, यही है ना। अब आप वीसीडी बताओ, वीसीडी जो करंट ये जा रही है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने यहां लगा दिया, 20/3 किलो ओम का यहां लगा दिया, तो इस टर्मिनल के क्रॉस करंट तो सेम ही जाएगी, तो वीसीडी कितना होगा, I × RCD, बोलो बच्चों आई कितना है, 12 मिली एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाई आर सी डी कितना है, मिली एम्पियर, ये 20/3 किलो ओम, ठीक है ना, या 20/3 ले लो, इसको सॉल्व करके बताओ वी सी डी कितना आया। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो ऐसा करो, एक कंसेप्चुअल अप्रोच तो ये ठीक है कि आपने बी सी डी निकाल लिया, कितना आया, अगर इसको 10 to the power ऐसा कर लें कि 10 to the power -3 कर दें और किलो को 10 to the power 3 कर दें, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत भाई, 12 मिली एम्पियर, 12 × 10^3 है और 20/3 किलो ओम 10^+3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितने वोल्ट सी और डी के बीच कितना वोल्ट डेवलप हुआ, इधर से बताओ तुम लोग, ये अगर कितना आया 80 वोल्ट, कितना डेवलप हुआ सी और डी के बीच, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज तो इजीली इसको निकाल सकते हैं, अभी बता देता हूं तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों 80 वोल्ट, अब आपको I1 की वैल्यू बताओ, इस टर्मिनल 80 है तो दोनों के लिए सेम है, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 होगा ये वोल्टेज इसके लिए सेम है,
तो 80/20 सॉल्व कर लेंगे, है ना, 80 वोल्ट अपॉन 20 इंटू किलो ओम है ना, तो 10 टू दी पावर 3 कर लो, जीरो से जीरो कट गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी 4 मिली एम्पियर I1 आ गया। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो स्टेप कैसे लिखेंगे आप समझ लो अच्छे से। ये दोनों पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बताना। देखो बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये सी और डी के बीच पीडी निकालना है, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में कितना है 20/3 किलो, सी और डी के बीच पीडी कितना है, जो करंट आ रही है उसमें आप सीडी से मल्टीप्लाई कर दिया, करंट कितनी है 12 मिली एम्पीयर, तो 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और रेजिस्टेंस कितना आया था 20/3 किलो, तो 20/3 किलो 10 पावर 3 कैंसिल, सॉल्व किया तो 80 वोल्ट आया। ये 80 वोल्ट इस ब्रांच के लिए सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच पैरेलल है, तो इसमें कितनी करंट है, इसमें करंट है 80/20 × 10 पावर 3, कोई दिक्कत, यानी 4 मिली एम्पीयर। I2 कितना है बच्चों, I2 जरा बताइए तो 8 मिली एम्पीयर। इसी तरह से सॉल्व करेंगे I2 तो क्या लिखेंगे, 80 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 10 × 10 टू दी पावर 3, तो 8 मिली एम्पीयर आ जाएगा। ये तो सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये क्वेश्चन अगर दे और कहे कि I1 की वैल्यू कितनी है, चार ऑप्शन दे, तो आपको इसको 5 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो ध्यान से देखो, अगर आपको I1 निकालना है तो आप ऐसा करो, ये नोट कर लिया है सबने, नोट कर लिया इसको, तो यही मैं बता देता हूं कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आंसर कैसे बता सकते हैं। सेम आंसर आएगा 4 मिली एम्पियर और 8 मिली एम्पियर। जैसे देखिए I1 चाहिए तो जितनी करंट आ रही है उसमें, इस ब्रांच में करंट चाहिए तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको इस ब्रांच में करंट चाहिए, मेन करंट में इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर ले और फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर ले। ये वाली 12 थी।